सर दोस्तों वेलकम बैक। आज एक वन ऑफ द बेस्ट वायरलेस साउंड बार तुम्हारा भाई ला चुका है और ये है अमेजॉन बेसिक BS25R, जिसमें आपको 25 वॉट का RMS आउटपुट देखने को मिल रहा है। और आप इसका लुक देख सकते हो भाई, लुक से बहुत ज्यादा प्रीमियम और एक क्लासी लुक रिप्रेजेंट करता है भाई, लुक से बहुत ज्यादा मस्त है। और इसका बिल्ड क्वालिटी भी आपको काफी बढ़िया देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर साइड में उन्होंने अपने फंक्शन को फिट कर रखा है। वैसे दोस्तों उन्होंने कहा है 25 वॉट RMS आउटपुट, लेकिन इसमें आपको 21.5 वॉट का RMS आउटपुट देखने को मिल रहा है, जो कि इन्होंने अपने स्पेसिफिकेशंस में ही स्पेसिफाई कर रखा है। और अंदर फीचर्स देखें तो 5.3 का लेटेस्ट ब्लूटूथ आपको इसमें अवेलेबल मिल रहा है, जिस वजह से कनेक्टिविटी इशू हल्का सा भी आपको इससे फेस नहीं करना पड़ेगा। कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़िया है। और भाई ये स्टीरियो साउंड बार है, जिस वजह से इसमें आपको 2 इंच के 2 स्पीकर मिल रहे हैं और साथ ही में 2 बेस रेडिएटर को भी फिट कर रखा है बेस बूस्ट करने के लिए। और भाई काफी ज्यादा लाइट वेट है, जिस वजह से कैरी करना काफी ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। आप देख सकते हो दोस्तों बहुत ज्यादा लाइट वेट है ये। और इन्होंने ब्लू LED इफेक्ट्स भी फिट कर रखा है, अभी मैं आपको ऑन करके दिखाता हूं यहां पर। और इसका शेडिंग आपको पूरे साउंड बार में नीचे देखने को मिलेगा हल्का सा, आप देख सकते हो। और दोस्तों इसमें आपको कॉलिंग का भी फीचर्स मिल रहा है, तो आप कॉलिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, फुल्ली हैंड फ्री प्रोडक्ट है। और दोस्तों इसमें आपको FM का भी फीचर्स अवेलेबल मिल जाएगा। और 3600 mAh का लार्ज बैटरी इन्होंने फिट कर रखा है, जो कि आपको इजीली 10 आवर्स का म्यूजिक प्लेबैक प्रोवाइड कर रहा है 60% वॉल्यूम में। तो चलिए भी जल्दी से देख लेते हैं अनबॉक्सिंग, उसके बाद मैं आपको साउंड एक्सपीरियंस सुना देता हूँ। सो दोस्तों कुछ ऐसा दिखता है अपने साउंड बार का बॉक्स। ऊपर आपको अमेजॉन बेसिक का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है और भाई एकदम सिंपल सा बॉक्स है, पैकेजिंग में ज्यादा खर्चा नहीं किया है। और आप दोनों साइड देख सकते हो एकदम सिंपल है। पीछे की तरफ इन्होंने एक पेपर चिपका रखा है, जहां पर ब्रांड के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को प्रिंट कर रखा है, जैसे इनका एड्रेस, कस्टमर केयर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, फोन नंबर, जीमेल एड्रेस, MRP प्राइस। और ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉनिक्स हॉलमार्क को प्रिंट किया है, जो कि प्रूफ करता है कि हमारे इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स के अकॉर्डिंग सेफ है, टेस्टेड है। तो चलिए अभी जल्दी से अपने साउंड बार को बाहर निकाल लेते हैं। सो भाई ये है अपना साउंड बार। दोनों साइड 2 फॉर्म देकर बड़े ही सावधानी से इन्होंने साउंड बार को डिलीवर किया है। सो इसके अंदर मुझे क्या कंटेंट मिला, ये है यूजर मैनुअल, जिसके अंदर थोड़े फंक्शन को, थोड़े फीचर्स को प्रिंट कर रखा है इन्होंने। और ये है इसके चार्जिंग केबल का लेंथ, आप देख सकते हो दोस्तों थोड़ा छोटा है। और ये है इसके ऑक्स केबल का लेंथ, थोड़ा छोटा है, ये भी काफी ज्यादा छोटा है, लेकिन भाई क्वालिटी में देखा जाए तो एवरेज है, एकदम बेस्ट नहीं है, बर्बाद सा भी नहीं है, एवरेज बोलूंगा मैं। और अभी पेपर निकाल लेते हैं, तो भाई कुछ ऐसा दिखता है अपने साउंड बार का लुक। भाई बहुत ज्यादा प्रीमियम लग रहा है, लुक्स में मस्त है। और ऊपर आपको अमेजॉन बेसिक का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है और यहीं पर ही मेटालिक ग्रिल को इन्होंने फिट कर रखा है। और भाई इसका डिजाइन भी काफी ज्यादा बढ़िया है, फिनिशिंग एंड डिटेलिंग बहुत मस्त है, और एकदम ग्रॉसी ब्लैक कलर का फिनिश इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, जो कि काफी अच्छा लग रहा है देखने में, एकदम मिरर टाइप का फिनिश है। और पीछे के साइड इन्होंने कुछ पैरेलल साइड डिजाइन बना रखा है, ये भी काफी अच्छा लग रहा है देखने में, अलग साइड इन्होंने हम्प सा बाहर निकाल रखा है, ताकि जब आप इसे टेबल पे रखो तो सही से बैलेंस हो पाए। और अंदर का सरफेस भी बढ़ जाता है, जिस वजह से बेस भी आपको काफी बढ़िया प्रोवाइड करेगा इस एक चीज से। और साइड में इन्होंने अपने फंक्शन को फिट कर रखा है। और जो बटन है ना भाई, बटन का प्रेस भी काफी ज्यादा सॉफ्ट है, और भाई रबड़ का बटन है, प्लास्टिक नहीं है, तो भाई ये काफी बढ़िया लगा मुझे। और सर्कल के एजेस में इन्होंने USB एंड TF, DC 5 वोल्ट एंड ऑक्स, और ऊपर के साइड इन्होंने सारे पोर्ट प्रोवाइड कर रखा है, जैसे USB है, SD कार्ड सपोर्ट है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है, और इसके साइड में आप एक छोटा सा होल देख रहे हो, यहाँ पर फिट है इसका माइक, और ऑक्स भी सपोर्ट करता है ये। और स्पीकर के दूसरी तरफ देखा जाए तो एकदम सिंपल रखा है, ग्रॉसी ब्लैक कलर का फिनिश है, यहाँ पे कुछ डिजाइन नहीं है, एकदम सिंपल है। और पीछे की तरफ आपको अमेजॉन बेसिक का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है, और साथ ही में इलेक्ट्रॉनिक्स हॉलमार्क को भी प्रिंट किया है, जो कि प्रूफ करता है कि भाई सेफ है, टेस्टेड है। और भाई साथ ही में इन्होंने 2 रबड़ के स्टैंड भी प्रोवाइड कर रखा है, और भाई काफी ज्यादा सॉफ्ट रबड़ का स्टैंड इन्होंने प्रोवाइड किया है, ताकि बेस के वाइब्रेशन को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर सके, और टेबल पर रखा रहा है तो भाई वाइब्रेशन ना हो। तो भाई ये वर्क मुझे इनका बहुत ज्यादा बढ़िया लगा, ऑल ओवर देखा जाए तो बहुत ज्यादा मस्त है। इन्होंने छोटी सी छोटी चीजों को भी ध्यान रखा है और उसे इम्प्रूव किया है। तो भाई अमेजॉन बेसिक का ये प्रोडक्ट कमाल का है, बहुत सही है, मस्त लगा मुझे, लुक्स में तो बहुत ज्यादा प्रीमियम है। सो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़िया लगा, बहुत ज्यादा प्रीमियम और एक क्लासी लुक रिप्रेजेंट कर रहा है, कहीं से भी देख के ऐसा लो बजट प्रोडक्ट देख के फील नहीं हो रहा है। तो भाई काफी बढ़िया लगा, लुक्स में बहुत ज्यादा प्रीमियम है, ऐसा रखा रहेगा ना भाई टेबल पे, मस्त लगेगा देखने में। बस एक ही फीचर्स है जो कि इसमें मिसिंग है, इसमें आपको TWS का फीचर्स नहीं मिल रहा है। सो दोस्तों अभी मैं आपको इसका साउंड एक्सपीरियंस सुना देता हूं, अभी आप डिसाइड करो, उसके बाद मैं बताऊंगा कि भाई मुझे कैसा लगा इसका साउंड एक्सपीरियंस। ये सुन सकते हो आप, तो दोस्तों आप
आपने इसका साउंड एक्सपीरियंस तो सुन ही लिया, और अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो इसका साउंड एक्सपीरियंस मुझे वाकई बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा, क्योंकि इसका वोकल्स एकदम लाउड एंड क्लियर है और 100% वॉल्यूम में यहाँ पर आपको किसी भी तरह का डिस्टॉर्टेड आवाज भी सुनने को नहीं मिल रहा है। और भाई ट्रिबल देखा जाए तो भाई ट्रिबल भी काफी ज्यादा सॉफ्ट एंड चिलिंग ट्रिबल आपको यहाँ सुनने को मिल रहा है, सुनने में बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है, एकदम ट्विटर वाला फील आपको ये प्रोवाइड करेगा, इतना बढ़िया इसका साउंड एक्सपीरियंस। और रही बात बेस का, तो इसमें आपको काफी अच्छा हाई पावर बूम पंची भी सुनने को मिल रहा है, तो भाई इसका साउंड एक्सपीरियंस ऑल ओवर देखा जाए तो मुझे बेस्ट लगा। प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बढ़िया है। अमेजॉन बेसिक के पहले के प्रोडक्ट उतने बढ़िया नहीं होते थे, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है सुपर्ब है, बहुत ज्यादा बढ़िया है। लुक्स में भी काफी ज्यादा प्रीमियम है, हर एक चीज को उन्होंने परफेक्ट बनाया है, लुक्स में भी मस्त है, किसी भी एंगल से भाई लो बजट प्रोडक्ट लग नहीं रहा, काफी ज्यादा प्रीमियम लग रहा है देखने में, और साउंड एक्सपीरियंस भी सुपर है, डिस्टॉर्टेड आवाज नहीं है। तो चलिए अभी एक माइक परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो दोस्तों अमेजॉन बेसिक है मेरे फोन के साथ कनेक्ट, अभी आप सुन सकते हैं कि कैसा है इसका माइक एक्सपीरियंस, और आपको मेरा आवाज क्लियर सुनाई दे रहा है नहीं। और इसका माइक यहीं पर ही कहीं पर फिट होना चाहिए, क्योंकि भाई इसका सर्किट इस साइड ही है, तो आपको मुंह के पास लाके ऐसे ही बात करना है, तभी आवाज को एकदम क्लियर तरीके से एंड लाउड तरीके से ग्रैब करेगा। दूर लेके जाओगे या फिर उल्टा करके ऐसे बात करोगे तो भाई आवाज बहुत ज्यादा धीरे ग्रैब करता है। और अभी आप सुन सकते हो कि कैसा है इसका माइक एक्सपीरियंस, बहुत ज्यादा बेस्ट तो नहीं है लेकिन भाई एवरेज बोलूंगा मैं। आप इंडोर में इसका इस्तेमाल कर सकते हो, आउटडोर यूज करने के लिए तो वैसे भी नहीं है, और मुंह के पास रख के ही आपको बात करना है, दूर लेके जाओगे तो भाई आवाज को सही से नहीं पकड़ पाता, जैसे कि आप सुन सकते हो। तो बस दोस्तों इतना ही था, आप सुनकर बताओ कि आपको कैसा लगा इसका माइक एक्सपीरियंस। और भाई बैटरी परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको 3500 एमएच का लार्ज बैटरी मिल रहा है, जिसे चार्ज होने में अप्रॉक्स 3 आवर्स का टाइम लेता है, और आप इसे चार्जिंग में लगा के भी यूज कर सकते हो, और बैटरी बैकअप इसका अप्रॉक्स 6 आवर्स का है 100% वॉल्यूम में। और दोस्तों इसमें आपको किसी भी तरह का IPX4/5 का वाटर रेटिंग नहीं मिल रहा है, तो पानी से थोड़ा सावधानी से ही आपको इसका इस्तेमाल करना है, बाकी हर एक चीज में सुपर है, साउंड एक्सपीरियंस बढ़िया है। तो बस दोस्तों इतना ही, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो चलिए मिलता हूँ डिफरेंट वीडियो में डिफरेंट प्रोडक्ट के साथ।